नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहां पर देखिए नई वैकेंसी शुरू हो चुकी है। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि फिलहाल तो मैं आपको बीएसएफ की न्यू जॉब आई है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा आर्मी भर्ती को ही ओपन कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और मेरे ख्याल से अगले मंथ से ही ओपन रैली जो है ओपन भर्ती स्टार्ट हो जाएंगी आर्मी की, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप जब भी जानते हैं कोरोना के टाइम से आर्मी की भर्ती बंद थी। तो चलिए फिलहाल जो लेटेस्ट जॉब आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीएसएफ वाटर विंग ग्रुप बी सी एसआई कांस्टेबल कितनी ही पोस्ट इसमें रखी गई हैं। तो टोटल पोस्ट जो आपको यहाँ पर मिलेंगी और उस टोटल पोस्ट में कौन सी जॉब के लिए कौन सी अप्लाई करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, प्रीवियस पेपर एग्जाम डेट एडमिट कार्ड सब की जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रिसेंटली ये जॉब को ओपन किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना पड़ेगा वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, नीचे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बताऊँ कि 23 मई से यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है और 28 जून लास्ट डेट होगी। मैं बता दूँ आपको यहाँ पर जनरल ओबीसी ईवीएस के लिए रुपये 200 होगी सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। एसआई के लिए एससी और एसटी कैंडिडेट की यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है। फिर कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए यहाँ पर जनरल ओबीसी ईवीएस के लिए केवल और केवल 100 रुपये फीस रखी गई है। थोड़ा मैं नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल कहीं के भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप किस जोन में आते हैं मुझे कमेंट करके आप सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस जोन में से फॉर्म को भरना पड़ेगा, कहाँ आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, कहाँ आपका एग्जाम सेंटर सबसे करीब आएगा वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, कमेंट मैंशन जरूर कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आपका ई चालान के द्वारा होगा, एटीएम डेबिट कार्ड जो भी आपका मिल जाएगा आपको बता दिया जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 28/6/2022 तक आपकी जो है एज है वो 20 ईयर्स 25 ईयर्स के बीच में चाहिए। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको 22 और 28 चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए इसका मुख्य नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको 281 मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 281 पोस्ट आपको मिलेंगी, जो यहाँ पर आपको कांस्टेबल क्रू के लिए 130 पोस्ट रखी गई है। और यहाँ पर आपकी हाई स्कूल पास किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका चल जाएगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो यहाँ पर 200 HP स्विमिंग का आपको जो चाहिए क्रू के लिए वो आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए आपको 10th क्लास पास चाहिए और यहाँ पर शरंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए। उसके बाद ड्राइवर के लिए भी 10th क्लास पास और आपका ड्राइविंग का सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर 10 पोस्ट ये ITI से है, 10/2/1/1/2/2/2, ठीक है। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास पास होनी चाहिए। मशीनिस्ट कारपेंटर प्लम्बर से आप यहाँ पर ITI NCVT हो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर SI के लिए 8 पोस्ट होगी और इंजीनियर ड्राइविंग के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट होगी। उनके लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद बैचलर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फिजिकल डिटेल्स के बारे में, हाइट वगैरह मेंशन सब कुछ वीडियो में आप पोज करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी हो जाती है तो कमेंट करना, वैसे उम्मीद कोई नहीं रहेगी क्वेरी आपकी रह जाएगी, ठीक है। मैंने सारे आपके क्लू यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।